This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 23 अप्रैल यानी कि शनिवार, और आज की सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं हेडलाइंस। विधायक जी ने दी कलेक्टर साहब को बधाई। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर विशेष कार्यक्रम। डीईओ साहब ने पुष्कर मेले में डुबकी लगाई। टावर हटाने की मांग लेकर पहुंचे गांव वाले। बाजार के कचरे उठाने वाले गायब। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आशीर्वाद कुमरम जिला प्रजू गर्वपड़ी नैपुण्यों। जिले को पौष्टिक आहार में नंबर एक पर ले जाने के कारण प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी अवार्ड मिला, जिसके लिए सिरपुर विधायक को नेहरू कोनप्पा ने कलेक्टर राहुल राज और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस विचित्र परिस्थिति वाले जंगली और पहाड़ी जिले में हर कोने तक बच्चों और स्त्रियों को पौष्टिक आहार पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं है। हर गांव में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से पौष्टिक आहार के जागरूकता को पहुंचाया गया है। ये पूरे देश में एक मिसाल है। इसके लिए सभी प्रशासनिक कर्मियों और अधिकारियों का अभिनंदन व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि कलेक्टर और डिप्टी साहब के नेतृत्व में कोई और भी कार्यक्रम किया जाए तो दोनों विधायक मिलकर उनका साथ देंगे। जिले को प्रदेश में सर्वोत्तम जिला बनाने के मिशन में आगे बढ़ना ही हम सभी का लक्ष्य है। ये तस्वीर है त्रिशूल पहाड़ पर स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज की। वहाँ पर कल स्टाफ और बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल अर्थ डे के संदर्भ में प्रतिज्ञा समारोह किया। उन्होंने इस बारे में ढेर सारी चर्चा की। दुनिया में बढ़ते प्रदूषण यानी पॉल्यूशन को कम करने का संकल्प लिया। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का संकल्प लिया। पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। पेड़ों के रहने से दुनिया में पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, इसलिए पौधों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। धरती की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से खेती और उत्तम प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल के बारे में भी चर्चा की गई। पानी बर्बाद ना करके उसका सदुपयोग करने की बात भी कही गई। जिले के शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ श्री अशोक कुमार जी कल सपरिवार तुमड़ी हट्टी पहुंचे। उन्होंने प्राणहिता पुष्कर मेले में स्नान करके पूजा अर्चना की। इस बाबत उनके साथ कुछ सरकारी टीचर भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी सरकारी अफसरों से कहा कि ऐसा पवित्र मेला 12 साल में सिर्फ एक बार आता है, ऐसे में इस मौके को हाथ से ना जाने देकर यहां आकर स्नान जरूर करें। हर कोई चाहता है कि उनके गांव में उनकी जमीन पर मोबाइल नेटवर्क का टावर लगे। ऐसे में मोबाइल कंपनी टावर लगाने के बदले अच्छे खासे किराया भी देती है, लेकिन रेबेना के गंगापुर गांव में मामला कुछ टेढ़ा नजर आया। व्यक्ति ने कंपनी को धोखा देकर एक कब्जाई हुई जमीन पर टावर बनाने के लिए कह दिया। गांव के बीचों बीच ये टावर सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उस कीमती जमीन पर कब्जा करके रखा जा सके। ऐसे में गाँव वालों ने एकजुट होकर उस व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल गांव वालों ने डिप्टी कलेक्टर वरुण रेड्डी जी से ये प्रार्थना करी कि इस टावर को लगने ना दिया जाए। इस टावर को लगने के पीछे का मकसद सही नहीं है, टावर को गांव के बाहर कहीं सही रूप से लगाया जाए। एक तरफ जहां कागजनगर शहर के लिए मास्टर प्लान बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्यूनिसिपल की कमियां भी लोग सामने ला रहे हैं। गांधी चौक इलाके में पूरे बाजार का कचरा फेंका हुआ है। महीना भर बीत गया लेकिन कोई कचरा उठाने आया ही नहीं। आलम यह है कि अब तो मेन रोड तक बड़ी भारी बदबू आती है। लोग कह रहे हैं कि कचरा तो साफ हो नहीं रहा, ऊपर से मास्टर प्लान के सपने दिखाए जा रहे हैं। पक्का इस प्लान में कुछ लोगों के घर और दुकान जबरदस्ती तोड़ दिए जाएंगे। जो भी हो, साफ सफाई तो कम से कम अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद बड़े काम किए जाए तो बेहतर है।
तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।